नमस्कार, अर्चना डेली किसीज में आपका स्वागत है। आज मैं पालक की पूरी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत कम समय में बन जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पालक की पूरी बनाना। उसके लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और अमचूर मसाला पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी का। अब सबको मिला लेंगे। इस तरह से इसको मिला लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और इस तरह से इसको मिला के अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच पालक का पेस्ट डालेंगे। उसके लिए जैसे हम पालक पनीर के लिए पेस्ट तैयार करते हैं, उसी तरह से हम पालक को धो के उबाल के और मिक्सी में पीस लेंगे और इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब आटा में इसको मिला लेंगे और आटा में 2 से 3 बड़ा चम्मच डालना होता है। अब हम थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा तैयार कर लेंगे। पानी हिसाब हिसाब से डालते रहें और मिक्स करके आटा अच्छे से गूंद के तैयार कर लेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब हम इसकी पूरियां तैयार करेंगे। देख रहे हैं आटा सॉफ्ट हो चुका है। इसको मिला लेंगे और एकदम छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे इसके। इस तरह से छोटी छोटी लोई तोड़कर हम तैयार कर लेंगे। अब इसकी पूरियां बेलेंगे। ये पूरी किसी भी सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे। अब छोटी छोटी पूरियां बेलकर तैयार कर लेंगे। आप इसको किसी भी तीज त्योहार में बना सकते हैं और एकदम अलग थोड़ा सा टेस्ट आता है पालक पूरी का नॉर्मल पूरी से। और इस तरह से सारी पूरियां हम तैयार करके रख लेंगे। और इसको तलने के लिए आपको घी में चाहे तो घी में भी तल सकते हैं और रिफाइंड ऑयल में चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं। तो तेल मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और इसमें इसको तल लेंगे। इस तरह से पूरियां तलना है, एक एक करके डालते जाएं और एकदम से फूल जाती हैं ये पूरियां। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फूल चुकी हैं। इसी तरह हम सारी पूरियां तल लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसको आप किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं और चाय के साथ खा सकते हैं। ये पूरियां बहुत ही लाजवाब बनती हैं। सारी पूरी फूल रही है और हमारी पालक की पूरी तैयार हो चुकी है। आप इसको बनाएं घर पे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।